नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हारने के बाद अचानक विराट कोहली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आप विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली लगातार कप्तानी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ दी थी। वहीं IPL 2021 के खत्म होने के बाद उन्होंने RCB की कप्तानी भी छोड़ दी। लेकिन उसके बाद BCCI ने विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीनकर कप्तान रोहित शर्मा को बना दिया गया। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली सीरीज में 2-1 से हार के बाद विराट कोहली ने अचानक आज शाम को अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी कप्तानी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं टेस्ट की कप्तानी छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया। कहा कि मेरी कप्तानी में साथ देने के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। लगातार कॉन्ट्रोवर्सी में चलने के कारण विराट कोहली ने यह बड़ा फैसला लिया। हालांकि यह सुनकर सभी को हैरानी जरूर हुई। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम अभी तक कोई भी ICC टूर्नामेंट नहीं जीती। तो ऐसे में विराट कोहली और BCCI ने कप्तानी को लेकर यह बड़ा फैसला लिया। अब कप्तान विराट कोहली भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने सभी फॉर्मेट से आज पूरी तरह से कप्तानी से संन्यास ले लिया है। अब भारतीय टीम के नए कप्तान KL राहुल और रोहित शर्मा में से किसी एक को बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत का अगला कप्तान कौन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।